जब जब देश में चुनाव आते हैं तब तब महाराष्ट्र के धारावी की चर्चा तेज हो जाती है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है, तो लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और फिर से धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुद्दा राजनीतिक बन गया है। यहाँ रहने वाले हजारों परिवार, लाखों परिवार और तमाम विपक्षी पार्टियां धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध करते हुए देखे गए। दरअसल लाखों की संख्या में यहाँ रहने वाले लोगों को डर है कि कहीं रीडेवलपमेंट के नाम पर उनसे उनका घर ना छीन लिया जाए और वो कहीं बेघर ना हो जाए। धारावी की बात करें तो मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, मगर एरिया के हिसाब से देखें तो एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम है। ये मुंबई शहर के बीचों बीच बसा हुआ एक एरिया है। ये एरिया मुंबई की दो रेलवे लाइन वेस्टर्न और सेंट्रल के बीच मौजूद है। एक तरफ मुंबई का मशहूर बांद्रा कुर्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ दादर। धारावी में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। वैसे तो धारावी में रहने वाले लोगों की सही जनसंख्या का पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ सालों पहले हुई जनगणना के मुताबिक यहाँ झुग्गी बस्ती में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये जनसंख्या दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा हो सकती है। खबरों की माने तो धारावी में कुल 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग पढ़ाई को महत्व देते हैं। करीब 70% की साक्षरता दर के साथ धारावी देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी झुग्गी है। अब जानते हैं कि आखिर धारावी में खास क्या है। दरअसल धारावी में रहने वाले काफी लोग अपना व्यापार करते हैं। उन्होंने अपने घर या बाहर छोटे बड़े कारखाने लगा रखे हैं, जहां वो कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, स्टील शामिल है। इस कारण यहां लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये उत्पाद यहां से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए देश और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। यानी कि धारावी से दुनिया भर में माल निर्यात होता है। कुल $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन सालाना तक का कारोबार होने का अनुमान है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ चलने वाले बिजनेस का भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा धारावी में रिसाइकलिंग काम भी बड़े पैमाने पर होते हैं। मुंबई का 60% प्लास्टिक कचरा धारावी में रिसाइकल किया जाता है। सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ रिसाइकिल किया जाता है। धारावी के 2.5 लाख से ज्यादा लोग रिसाइकलिंग का काम करते हैं। क्या कहता है धारावी का इतिहास? मुंबई शहर के बीचों बीच धारावी 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था। तब यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे, लेकिन समय के साथ यहाँ की स्थिति बदली। यहाँ का पानी दलदल बन गया, जिस कारण मछली पकड़ने का काम बंद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने गांव बना लिया और रहना शुरू कर दिया। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिर क्या है? धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है जिसका मकसद एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया को तोड़कर हाई राइज बिल्डिंग और कई तरह के विकास किए जाना है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि 20 साल पहले 2004 में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार ने साल 1999 में सबसे पहले धारावी के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 2004 में दिवंगत विलास राव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुंबई को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त कर शहर बनाने के मकसद से स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण यानी कि SRA के तहत धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। कई बार साल 2007, 2009, 2011, 2016, 2018 और 2022 में ग्लोबल टेंडर जारी किए गए, मगर किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट अटकता रहा। आखिरकार 2022 में 5,059 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले देश के एक बड़े उद्योगपति को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। तभी से महाराष्ट्र में तमाम विपक्षी पार्टियां प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। अब नया विवाद क्या है? दरअसल महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने नवंबर 2018 में झुग्गी बस्ती के रीडेवलपमेंट के लिए एक नए मॉडल को मंजूरी दी थी। जनवरी 2019 में दुबई BRD कंसोर्टियम और साइक्लिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, मगर 47.5 एकड़ रेलवे जमीन को प्रोजेक्ट में शामिल करने के निर्णय के कारण टेंडर नहीं दिया गया। अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया। कारण बताया कि केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक रेलवे जमीन को ट्रांसफर करने में देरी कर रही है। इसके बाद राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार आने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 अक्टूबर 2023 को रेलवे की जमीन सौंपने के लिए हस्ताक्षर किए। उधर साइक्लिंग टेक्नोलॉजीज
कॉरपोरेशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कंपनी का आरोप है कि राज्य सरकार ने धरावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2018 में दिए गए टेंडर को गलत तरीके से रद्द कर दिया और दूसरे उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर धारावी के लोग क्या चाहते हैं। धारावी में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि हम धारावी का विकास चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अपने उद्योगपति मित्र के साथ फिक्सिंग करके टेंडर दिया है। हम इसका विरोध करते हैं। उन्हें सिर्फ यहाँ की जमीन चाहिए, यहाँ के लोग नहीं चाहिए। हमें बसाने की बात कोई नहीं करता, सिर्फ हमें मुंबई से बाहर भेजने की बात करता है। स्वच्छता अभियान के नाम पर यहाँ पर लोगों का घर तोड़ा जाता है। आगे उन्होंने कहा कि धारावी मिनी इंडिया है, यहाँ की जमीन सोने की खान है। यहाँ सभी जाति, धर्म, सभी भाषा और सभी प्रदेश के लोग रहते हैं। हमें धारावी का विकास चाहिए, लेकिन सरकार के दामाद का विकास नहीं चाहिए। सरकार जनता को सिर्फ जुमला देती है, वादा करती है लेकिन निभाती नहीं। हमें जब तक अपना मकान नहीं मिलेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस अगर बल का प्रयोग करती है तो सड़कों पर उतरेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपने घर के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर से जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। विरोध लगातार किया जा रहा है। अब देखना ये है कि 2024 में रीडेवलपमेंट के नाम पर धारावी का क्या होता है।